हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को मिस किए बिना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। बहुत दिन पहले एक जंगल में कुछ जानवर और पक्षी रहते थे। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला, सब मिलजुल कर दोस्त की तरह रहते थे। दोस्त, इस जंगल के बगल शहर में उत्सव चल रहा है, चलो चलकर देखते हैं। मुझे भी उनके प्रदर्शन देखने का मन कर रहा है। हा हा हा, कहां जाएंगे, सब शेर को देखकर भाग जाएंगे। क्या बोल रहे हो, क्या हम जीव नहीं है? आप जा सकते हो तो हम क्यों नहीं? सच ही तो है, मनुष्य आपसे डरते हैं। आपके किस्मत में ऐसे उत्सवों का देखना और आनंद लेना लिखा ही नहीं है। क्या दोस्त, तुम्ही ने मुझसे इस बारे में पूछा, अचानक तुमने बात बदल दी? इसलिए तो कहते हैं, कौवे की तरह हजार साल जीने से अच्छा है हंस की तरह 6 महीने जिए। इस तरह से बात बदल कर जीने में तुम्हें शर्म नहीं आती? इनसे बात करके फायदा नहीं है, चलो चलते हैं दोस्त। वैसे भी हम हवा में उड़ जा सकते हैं, लेकिन उनके इतने भाग्य कहाँ। हमारी आज्ञा के बिना तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कहीं जाना है तो पहले राजा शेर की अनुमति लेनी होगी। जंगल के राजा शेर हैं? ऐसा आप खुद सोच ले तो कैसे चलेगा, हमें भी तो ऐसा सोचना होगा ना। बहुत दिनों से ऐसा ही चल रहा है ना, फिर ऐसे क्यों पूछ रहे हो? शेर हम सबका राजा नहीं है, आप अधिकार चलाते हैं, इसलिए हमें आपकी बात सुननी पड़ती है। इस बार हम सब मिलकर किसी पक्षी को राजा बनाएंगे। पक्षियों में आप लोग भी अधिकार की मांग करने लगे? बाप रे, अधिकार के बारे में भूलकर कुछ काम हो तो करो। देखते हैं हमें अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। देख लेंगे। इस तरह दोस्त बनकर रहने वालों के बीच झगड़े शुरू हो गए। पशु पक्षी सब अलग अलग इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे कि अगला राजा कौन बनेगा। दोस्त सब सुनो, आज से हम में से किसी को राजा बनना ही पड़ेगा। सालों तक अगर इसी तरह शेर राजा बना रहेगा तो क्या हम लोग खुशी से अपना इच्छा अनुसार रह पाएंगे? हाँ हाँ, उनके घमंड को कम करना होगा। इधर पक्षी बात कर रहे थे तो उस तरफ चमगादड़ ऐसे देख रहा था जैसे इससे उसका कोई संबंध ना हो, और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हे 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 हे, बेचारे, मुझे कोई चिंता नहीं है। सब सुनो, सदियों से ये पक्षी जो हमारी बात सुनते आए हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं, वो आज अचानक से कभी ना आने वाले विचार प्रकट कर रहे हैं। क्या बात है दोस्त? कुछ नहीं दोस्त, वे चाहते हैं कि पशु पक्षियों पर उनका पालन चले, वो हम पर अधिकार जमाना चाहते हैं। ये सब कल फैसला करेंगे, अभी सब लोग जाओ और आराम करो। रात हो गई, सभी जानवर अपने अपने निवास में चले गए। यहाँ भी चमगादड़ आया, लेकिन पहले की तरह ही बेफिक्र था, जैसे उसका इससे कोई संबंध ना हो, और अपने आप में हंसने लगा। हा, बेचारे लड़ रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी की तरफदारी करने की जरूरत ही नहीं है। हे 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 हे। सुबह हुई, सभी पशु पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए। सभी बहुत गुस्से में थे, सभी एक दूसरे पर चिल्लाने लगे कि वही राजा बनेंगे। पूरे जंगल में शोर मच गया, उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। पक्षी उड़ते हुए अपने आप को बचाते हुए जानवरों पर हमला करने लगे, बदले में जानवरों ने भी उन पर हमला बोल दिया। बहुत देर तक उनके बीच झगड़ा हुआ। खरगोश और कबूतर ने सोचा होगा कि ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए दोनों मिलकर बात करने लगे। दोस्त, ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है? हमें क्या करना चाहिए? उनके बीच सुलह करवा कर उन्हें सुझाव देते हैं कि अपना पालन खुद करें। ठीक है, सबसे झगड़ा रोकने को कहते हैं। रोको, इस झगड़े को रोको। झगड़े को रोकने के लिए खरगोश और कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगे। थोड़ी देर में झगड़ा बंद हो गया, सभी थक गए।
इस तरह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है ना? कितने देर तक इस तरह झगड़ा करते रहोगे? कुछ तो फैसला करना पड़ेगा ना? फैसला? कैसा फैसला? क्या पक्षी जाति को अधिकार सौंपना पड़ेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इतना गुस्सा क्यों? अच्छी तरह सोचकर फैसला लेते हैं। तुमने क्या सोचा है? मैंने और कबूतर ने इस बारे में बात की है। हम अपना फैसला सुनाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस फैसले से सहमत होंगे। बताओ क्या है, लेकिन फैसला हमारे हक में होना चाहिए। इस तरह मत कूदो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। हमारे जंगल में जानवर और पक्षियों के बीच आए इस मुद्दे का एक ही रास्ता है, खुद का शासन। वो क्या है? हम दो भागों में बट जाएंगे और अपने जाति का शासन हम खुद करेंगे। मतलब तुम कह रहे हो कि? तुमने ठीक सुना, मैंने ठीक ही कहा है। अपने जाति का शासन अपने जाति वाले ही करेंगे। सब सुनो, किसी की तरह के बहस के बिना हम अलग हो जाते हैं और खुश रहते हैं। साथ रहने के कारण ही इस तरह झगड़े होते हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। ऐसा कैसे संभव है? हमारे राजा तो शेर हैं, सबके राजा। चिंपांजी दोस्त चुप रहो, वो ठीक ही कह रहे हैं। हमें मंजूर है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही करते हैं। उनके बीच सुलह हुई, अलग होकर अपने जाति का पालन खुद करने लगे। पक्षियों के सहमति से गिद्ध उनका राजा बना। सभी जानवरों ने मिलकर शेर को ही राजा घोषित किया। उनके इस तरह अलग हो जाने से चमगादड़ को परेशानी होने लगी। उसका कहीं आदर नहीं हो रहा था, उसके बारे में सोचने वाले ही ना रहे। अलग होकर वे तो खुश हैं, मैं किसकी तरफ जाऊं? उन पक्षियों से मिल जाता हूं। हाँ जाऊंगा। पक्षियों के पास जाकर उसने ऐसा कहा, दोस्त मैं अकेले नहीं रह पा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे अपने समूह में शामिल कर लो। तुम हमारे साथ रह जाओगे? इतना अभिमान तब कहाँ था जब हमारी लड़ाई हो रही थी, तब हमारी याद नहीं आई? फिर भी तुम में क्या है जो हम तुम्हें हमारी जुन में शामिल कर ले? तुम्हारे पंख ही हमारे जैसे नहीं है। तुम्हारे जाति वाले दूध देते हैं। तुम्हारा सर चूहे की तरह है, दो कान भी है, तुम्हें पक्षी कैसे मान ले? दूध देने वालों को हम पक्षी कैसे कह सकते हैं? तुम्हें हमारे जुन में शामिल होने का हक नहीं है। बेचारे चमगादड़ को समझ में नहीं आया कि क्या करे। पक्षी मुझे अपने जुन में शामिल नहीं कर रहे हैं, उधर जानवर भी मुझे आने देंगे या नहीं? ऐसा शक के साथ डरते हुए ही जानवर के पास गई। आओ चमगादड़ दोस्त, आओ, कैसे हो? नमस्ते बाघ जी, मैं ठीक हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपके जाति में शामिल हो जाऊँगा। ये क्या बात हुई, तुम तो पक्षी जात के हो, हमारे पास क्यों आई हो? मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, उन्होंने ये कहकर मुझे टुकरा दिया कि हमारी जाति वाले दूध देते हैं और मेरी शक्ल चूहे जैसी है, इसलिए आपसे इस तरह। क्या बात है, तुम यहाँ से जाओ। वो बात नहीं है दोस्त। क्या कुछ नहीं, उस दिन जब झगड़ा हो रहा था तुम आराम से सो रहे थे, जैसे तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं। उन्होंने ठुकरा दिया तो हम याद आ गए। मुझे कोई शामिल नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? एक बार फिर सोचो दोस्त, एक बार सोचिए। सोचा, इसलिए तो तुमसे इतनी देर बात की, तुरंत यहाँ से निकलो। ये क्या मेरी जिंदगी कहीं की भी ना रही, अब मैं क्या करूं? बेचारे चमगादड़ का मुंह छोटा हो गया, वहां से निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसने सोचा, या तो पक्षी के तरह होना चाहिए या फिर जानवर की तरह, लेकिन मेरी तरह होने से अनादर होता है। जब वे लोग मुसीबत में थे तो मुझे उनमें से किसी का पक्ष लेना चाहिए था, कम से कम इस बात से वे मुझे अपने झुंड में शामिल कर लेते। चमगादड़ को एक उपाय सूझा। सब कहते हैं कि मैं चूहे जैसा दिखता हूँ, चूहों के पास जाकर पूछता हूँ, कम से कम वे मुझे शामिल कर ले, आखिरी बार कोशिश करता हूँ। दोस्त, चूहे दोस्त। बोलो दोस्त, कैसे आना हुआ? मेरी कोई मदद चाहिए क्या? मुझे ना तो जानवर ना पक्षी अपने झुंड में शामिल होने दे रहे हैं, कम से कम तुम बात करके मुझे तुम्हारे झुंड में शामिल कर लो। क्षमा करो दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, ये बात सही है कि तुम्हारा शक्ल हमारे जैसा है,
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरे तरह तुम्हारे पूछ नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पंख भी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। दोस्त, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यहाँ भी मेरे साथ नाइंसाफी हुई, हे भगवान। ऐसा कहते हुए चमगादड़ हवा में उड़ा। हमेशा की तरह पेड़ पर उल्टा लटकता और रात को ही बाहर निकलता।